हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, HDFC बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। पोस्ट की बात करें तो गाइस, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर एंड अदर पोस्ट निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एंड गाइस डिफरेंट पोस्ट के अंदर गाइस डिफरेंट एज लिमिट क्राइटेरिया प्लस डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एंड गाइस डिफरेंट ही सैलरी पैकेज रहने वाला है। टोटल कितना वैकेंसी निकल के है प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइस हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप कर करके देखते हो, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती करते, तो वो गलती अपन को नहीं करनी है। एंड गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जनरल आता हूँ। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये अपनी HDFC बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है। पोस्ट की बात करें तो गाइस एडमिनिस्ट्रेशन एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट क्लर्क एंड कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, PO, IT मैनेजर एंड हेड ऑफ ऑपरेशन का पोस्ट निकल के आ रखा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड गाइस बात करें टोटल वैकेंसी की, जो कि 15,000 प्लस गाइस अब की बार वैकेंसी निकल के आई, 15,000 प्लस गाइस वैकेंसी अब की बार HDFC के थ्रू गाइस इशू की गई है, 15,000 प्लस गाइस इसके अंदर वैकेंसी। बात करें गाइस एज लिमिट क्राइटेरिया की, एंड गाइस बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया की तो 18 to 45 ईयर्स है। एंड गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। 10th+2 ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है। एंड गाइस आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना मैंडेटरी है। प्लस गाइस बात करें सैलरी पैकेज की, तो गाइस 23,500 से लेकर 1,05,000 तक गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। एंड गाइस इसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन है। लास्ट डेट की बात करें तो 28 नवंबर 2024 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस इसके अंदर ना ही कोई आपकी फीस लगने वाली है, ना ही कोई एग्जाम होने वाला है। सीधा गाइस इसके अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, आपको सिर्फ ओनली फॉर इंटरव्यू देना है। देन आफ्टर गाइस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई फीस नहीं है गाइस। फी स्ट्रक्चर भी गाइस इसका कोई फ्री है बिल्कुल। एंड गाइस नो एग्जाम, कोई इसके अंदर एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ ओनली फॉर इंटरव्यू है, फिर देन आफ्टर आपका DV होगा। ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकती है, जो कि अपनी HDFC बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। एंड गाइस अब बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर आप अप्लाई करना नहीं बताते, तो गाइस साथ में आपको अप्लाई करना भी बताएंगे। तो इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे HDFC बैंक की। तो गाइस आपको अप्लाई कैसे करना है ये सब कुछ आज बताने वाले हैं। तो गाइस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो HDFCbank.com है, HDFC.com है। तो गाइस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो गाइस ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर गाइस आपको स्क्रॉल करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सारा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कम जॉइन दी विनिंग टीम। तो गाइस आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो गाइस इस पर आपको क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जो कि करियर पेज है ये जॉइनिंग दी विनिंग टीम। तो गाइस जो पहले था इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर आप पोस्ट अप्लाई करते थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देते, अप्लाई हो जाया करता। बट गाइस उसके अंदर ये रहा करता कि बहुत से कैंडिडेट को ये नहीं पता होता था कि उनके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है। एंड गाइस वो क्वालिफिकेशन वो नहीं होती थी। एंड गाइस उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देते थे वो जिस मर्जी के लिए, एंड गाइस वो फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते थे। इसके अंदर आपकी बार ऐसा करा है कि आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट के लिए गाइस आपको क्वालिफिकेशन देना है, एक्सपीरियंस देना है, एंड गाइस प्रेफर्ड कौन सी लोकेशन पे आप काम करना चाहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपका, ये सारा कुछ लिखा जाएगा। देन आफ्टर गाइस आप इसके अंदर शॉर्टलिस्ट होंगे जिस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए गाइज आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस होगा, जिस पोस्ट के लिए आपको पता भी होगा प्रोफेशनली, तो गाइज आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप यूज़ करते हैं। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो गाइज आपको SMS प्लस ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सूचित किया जाएगा। तो वही आपको डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं एक्टिव है, ठीक है। तो गाइज आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो गाइस ये HDFC बैंक की आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है। एंड गाइस ये आपको फिल करके आपको सबमिट करना है।
तो गाइस ये अपनी HDFCBank.com की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइस ये अपनी HDFCBank की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के जो कि गाइस IT मैनेजर क्लर्क एंड कलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट निकल के एंड गाइस इसके अंदर अदर पोस्ट भी निकल के ही है। तो गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ, इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 28 नवंबर 2024 है, एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 to 45 years है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो 23,500 से लेके 1,05,000 तक गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो गाइस 15,000 प्लस गाइस 15,000 प्लस गाइस इसके अंदर वैकेंसी निकल के आ रखी है। एंड गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू देन आफ्टर आपका DBO होगा, फी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ना ही कोई एग्जाम है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर आपकी लोकेशन की तो गाइस जो आप प्रेफर्ड लोकेशन डालोगे वो इस हिसाब से गाइस इसके अंदर आपकी लोकेशन आएगी, वही लोकेशन आएगी। एंड गाइस जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो गाइस आपको डेट रिपोर्टिंग लोकेशन सब कुछ उसी के अंदर एडमिट कार्ड के अंदर लिखा होगा। एंड गाइस इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस, इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। तो गाइस इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑब्वियसली बात है वो इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है, साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूँ। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स आपको शो हो जाएगा, हालांकि गाइस वहाँ शो नहीं होता है। तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक करें एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल में प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।